अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां वरी पाणी जी हीअ हिकिड़ी वॾी बोतल डिस्पोज़ेबल बोतल खे इस्तेमालु करे हिकिड़ो प्लांटर ठाहियां थी। अॼु मां फिर हिकु दफ़ा पाणी की हीअ डिस्पोज़ेबल जो बॉटल है इसको यूज़ करके एक प्लांटर बना रही हूँ। और प्लास्टिक बॉटल क्राफ्ट के सिलसिले में मैं बोतलों में से काफ़ी चीज़ें सिखा चुकी हूँ पहले भी, एक और आज उस मेरी लिस्ट में शामिल होगा। मां पहिरियों बि कुझु शयूं सेखारियूं आहिनि, पहिरियों हिकिड़ो प्लांटर बि सेखारे चुकी आहियां, प्लास्टिक जे मुख़्तलिफ़ बोतलनि मां मुख़्तलिफ़ शयूं ठाहिण मां सेखारे चुकी आहियां। सो उहो सॼो वीडियोज़ जेके आहिनि मुंहिंजे चैनल ते मौजूदु आहिनि। सो हिन बोतल खे मां कटे चुकी आहियां, इसको मैंने काट लिया है। ऊपर का हिसा हमें फ़िलहाल किसी काम में नहीं है, इसके लिए हमें जो साइज़ चाहिए इस पर तो ऑलरेडी लाइनें हैं तो कटिंग में आसानी होती है। ठीकु आहे, हिन ते पहिरियों खां ई हिकिड़ा ई लीका आहिनि, पाण सेल्फ में मौजूदु अथसि त उन्हनि जे करे कटण में सवलाई थी थिए। त हीअ मूं पंहिंजे ज़रूरत जे हिसाब सां हिन जी लेंथ रखी आहे ऐं मूं हिनखे कटे छॾियो आहे। हिनखे कवर कंदसि मां हिन बोरीअ जे पीस सां। इसको मैं इस बोरी के साथ कवर करणु चाह रही हूँ, लेकिन इहा बोरी बहुत ही रफ, बहुत ही सादा सी है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन जो मुझे मिल सकी है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको डबल करके लगा रही हूँ। लेकिन अगर ना हो तो सिंगल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास ये पीस है तो मैं इसको डबल कर लूँगी। ठीक है, सो ये बोरी जेका है इंतहाई रफ आ, यूज्ड आ, तंहिंजे करे हिन जो को लुक ॾाढो फाइन कोन्हे। हिन लाइ मां हिनखे डबल करे हिन जे मथां हणंदसि। हिन जी असां लेंथ जे हिसाब सां मां हिनखे बिटो ई कटे थी वञा, ये आप देखे, लेकिन थोरा सा बढ़ाएंगे, ऊपर से भी थोरा बढ़ा हुआ छोड़ेंगे, नीचे से भी थोरा जो है वो हमें बढ़ा हुआ छोड़ना है, ताकि हम दोनों तरफ इसको अंदर करके इसको लपेट सकें, इसके जो रफ जो किनारे हैं वो छुप जाएंगे। ठीक है, सो ही राउंड त हिन ते पूरी आहे, इसको मैंने नाप लिया है, ये इस पर पूरी आ रही है इस तरह से। अब सिर्फ ये है कि इसके जो रफ़ पीसेज हैं वो मैं काट लेती हूँ और फिर हम इसको आगे काम करेंगे। एक चीज़ नोट करें, इसको भी काटना आसान है क्योंकि ये सारे धागे हमें नज़र आ रहे हैं, तो एक धागे के बीच में कंटिन्यू जो है हम उसी लाइन पर चलते हुए इसको काट सकते हैं। ठीक है, सॼा धागा जेके आहिनि असांखे साम्हूं ॾिसण में अचनि पिया, हिन जा सॼा सुराख, त असां हिकिड़े धागे खे फॉलो करे कंटिन्यू हिकिड़ी सिधी ऐं साफ़ कटिंग करे था सघूं। हाणे हिन जा रफ पीसिस मां कटे छॾिया आहिनि ऐं हिन बोतल जे साइज़ जे हिसाब सां मां हिन जी लेंथ बि रखी आहे ऐं विड्थ त हुई पूरी ऑलरेडी। सो हाणे हिनखे मां ग्लू हणंदमि चौधारी सभिनी खां पहिरियों, ऐं हीअ क्राफ्ट ग्लू मां हमेशह यूज़ कंदी आहियां, कॉमन आहे ऐं सभिनी खां बेस्ट रहे थी अहिड़े क़िस्म जे कमनि लाइ। सो पहिरियों त मां हिनखे चौधारी हणी वेंदमि हिन बोतल खे ग्लू, इस पर मैं ग्लू लॻाए लेती हूँ इसके राउंड, फिर हम इसको चिपकाएंगे बोरी के पीस को। ग्लू की मिकदार थोड़ी ज़्यादा लगानी है क्योंकि बोरी को चिपकने के लिए कुछ पेपर होता है तो वो जल्दी से थोड़े से ग्लू से भी चिपक जाता है, लेकिन कपड़ा हो या ख़ास तौर पे बोरी है तो उसको ज़्यादा थोड़ा ग्लू चाहिए। तो ये ग्लू मैंने इस पर लगा लिया, ग्लू मां हई आ, कपड़ो हूंदा तो उनके ग्लू थोड़ी वधीक लगंदी आ, या वरी जेकॾहिं कागज़ हूंदो त उन ते त तमामु घटि ग्लू ख़र्च थींदी आहे। सो हिनखे मां हिन जे विच ते रखां थी। ठीकु है, इसके बीच पे मैंने रखा है इसको, बोरी को पूरा अच्छी तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर इसको रैप करेंगे। और मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये जो है ग्लू थोड़ा खुश्क होने के बाद ज़्यादा अच्छी तरह से चिपकता है, तो अभी आपके सामने मैं इसको ये लपेट रही हूँ। अगर इसका कुछ हिस्सा बढ़ा हुआ होगा तो वो मैं इसका काट भी लूँगी। आप ये देखें इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम राउंड जो है चिपका लेंगे। हाँ, हिन जा जेके सिरा आहिनि उन्हनि खे बंदि करण जे लाइ ये देखिए इसको हम ओवरलैप करेंगे, लेकिन पहले एक सिरे को चिपकाने के लिए हम इस पर पूरा ग्लू लगा रहे हैं। ठीक है, हिकिड़ो सिरो हिन ते असां चिबड़ायूं था ग्लू हणी, त जीअं चङी तरह सां हिन ते फिक्स थी वञे, ऐं पोइ ॿियो हिसो हिन जे असां मथां विराईंदासीं। त ईअं करण सां इहे ॿई जेके हिन जा रफ किनारा आहिनि, दते धागा निकिरनि पिया, इहो सॼो हिन सां फिक्स थी वेंदो। ठीक है, अब वो एक सिरा चिपक गया, अब इस पे ग्लू लगा के हम ये दूसरा भी इस पे चिपका लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। हाँ, बोरी मुझी जी तो डबल है, इन करो सिरो मैं पहले चिबड़ाया और बो सिरो हाँ चिबड़ाया। एक पहले मैंने सिरा चिपका दिया क्योंकि डबल है बोरी, एक ही दफ़ा में दोनों सिरे आराम से नहीं चिपकेंगे, एक दफ़ा चिपका लिया है। अब इसको मैं दूसरी दफ़ा ग्लू लगा के दूसरा जो हिस्सा है वो भी इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब हमें करना ये है कि इस पार्ट को तो हम अंदर मोड़ लेंगे, अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे, और इस पार्ट को हम पीछे की तरफ नीचे की तरफ मोड़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े से हमें हल्के से कट लगाने पड़ेंगे। तो पहले मैं इसमें कट लगा रही हूँ इस तरफ,
छोटे छोटे से, ताकि मुड़ने में जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कट नहीं होंगे तो वो मुड़ तो फिर भी जाएगा, लेकिन वो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। ये कट मैंने लगा दिए, अब इस पे हम ग्लू लगा के इन बड़े हुए टुकड़ों को नीचे की तरफ जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये सारे इसी तरह से इस पे लगेंगे। सजा ही माँ ई कटल पीसिस जेके हिन जे हेठां तरे में मोड़े करे चिंबड़ाए छॾींदमि। हाणे अंदरां हिन खे चङी तरह सां मोड़े मूं ही क्लिप्स हणी छॾियूं त जीअं थोरो चिंबड़ी वञे, ऐं पोइ आख़िर में ॾिसंदासीं अगरि ज़रूरत हूंदी जितां जितां ही न चिंबड़ंदो उनखे असां ग्लू हणंदासीं। इसको देखिए आप पीछे की तरफ ये सारे मैंने मोड़ दिए इसके जो पीसेस थे, और इसके लिए मैंने एक ये गत्ता काटा है उस पर मैंने कुछ ग्लू लगाई है। ये देखें ग्लू जो है मेरी ट्यूब बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं हमेशा अपने पास स्पेयर में चीज़ें रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काम करना है मुझे। तो एक और ट्यूब में लेकर आई हूँ अभी पहले, लेकिन इसमें से जितना निकलेगा पहले मैं उसको यूज़ करूँगी। इसको हम रखेंगे नीचे यूँ ताकि इसके जो ख़राब जो रफ जो सिरे हैं वो छुप जाएं। इसको सीधा करके रखें और थोड़ा अच्छी तरह से अंदर से दबा लें। ठीक है, हाँ यो थी इन क्लिप्स के असा फिलहाल नथा कढ़ूँ, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं यहाँ पे। इसको ऊपर से फिर बाद में डेकोरेट करेंगे, और बैक साइड इसकी ये हो रही है रफ, तो जब हम इसको सजाएंगे रखेंगे तो ये वाला साइड जो है वो हम पीछे करेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए इसके नीचे तो मैं लगा रही हूँ ये रस्सी। ये इस सुतली में से मैंने ये चोटी बनाई थी कभी किसी और काम के लिए, उसमें से ये बच गई है। इसको मैं यहाँ पे नीचे डेकोरेट करूँगी ताकि थोड़ा सा एक फाइन फिनिशिंग और एक थोड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाए। तो इस रस्सी को मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। हाँ ना कि मां हरण शुरू थी क्या रस्सी के गंढक, हाँ इस जोड़ से हम इसको लगाना शुरू कर रहे हैं ताकि जो इस डोरी का भी जोड़ हो वो भी उसी तरफ आ जाए एक तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इसको सब्र से और आराम से चिपकाना है। गंढ सजा पोया कंदासीं, हिन डोरीअ खे कटे था वठूं, इसको हम काट लेते हैं। और इस पर मैं ज़रा सा ग्लू लगा लूँगी ताकि ये खुले नहीं, और दोबारा मैं किसी चीज़ पे जब इसको यूज़ करूँ तो ये मेरे पास मौजूद रहेगी। ग्लू लगा लिया है मैंने, चिपक जाएगी, खुश्क हो जाएगी थोड़ी देर में, और ये बाद में किसी और काम में आ जाएगी। इसको हम करते हैं कंप्लीट। ठीक है, सुरी थी वह इनके अंदरां जिते जिते थोड़ो उभरियल हो मूं ग्लू हणी एक्स्ट्रा ऐं क्लिप्स हणी छॾियूं त जीअं फिक्स थी वञे। हिन जे फिक्स थियण खां पोइ असां हिन जो मथियों पासो जेको आहे उहो डेकोरेट कंदासीं। जब ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा अंदर से, ये फिक्स हो जाएगा, तो हम इसका ही ऊपर का साइड डेकोरेट करेंगे। ये सेट हो गया है, अब इसको ग्लू लगा के इस डोरी के तीन जो हैं बल में इस पे देने वाली हूँ। हिन खे असां सुतलीअ खे ग्लू हणंदासीं ऐं हिन जा टे वकड़ हिन जे चौधारी मां ॾींदसि। ॾिसो ही टे वकड़ मूं हिन खे ॾिना आहिनि। अब ये देखिए इसकी फिनिशिंग कुझु बहितर लॻ रही। मेरे पास बोरी ये पुरानी है, पुरानी तो नहीं है लेकिन यूज्ड है, तो इसलिए उसकी वो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, और डबल भी लगाई है। तो अगर आपके पास फाइन क्वालिटी की बोरी हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो जेकॾहिं तव्हां तमामु सुठी क्वालिटी जी बोरी हूंदी त उहा वधीक सुहिणी लॻंदी, पर पोइ बि तव्हां ॾिसो त हीअ कुझु बहितर लॻी रहियो आहे। हीअ आहिनि मूं वटि कुझु टसल्स, फुंदण मूं ठाहिया हुआ। ये फुंदने में बनाना सिखा चुकी हूँ, ये मैं इसको सजाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले तो इसके मैं जोड़ से शुरू कर रही हूँ, जो जहाँ पे बोरी का भी जोड़ है, इस डोरी का जोड़ है, ऊपर वाली सुतली का जोड़ है, तो ये मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से हम ये इस पर चिपकाएंगे वन बाय वन। ठीक है, चौधारी ही रंगीन फुंदण मां हिनजे चिंबड़ाए वेंदसि। इस तरह मैंने लगाए हैं एक दूसरे के सामने, एक इधर इधर इधर, चार लगा दिए। अब इनके बीच बीच में से एक लगेगा, और ये मूं चार हिन ते हया आहिनि, हिकु बजे आम्हूं साम्हूं। ठीक है, आम्हूं साम्हूं चार लगा आहिनि, ऐं हाणे जेके आहिनि ॿिया ही जेके आहिनि मां हिननि जे विच विच में हणी वेंदसि। हीउ ॾिसो मुंहिंजो ज़बरदस्त हिकिड़ो प्लांटर तयारु आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो त अञा बि हिनखे वेझो वेझो बि हिनखे फुंदणा हणी था सघो। ये अभी गीले हैं तो थोड़े से लूज़ हो रहे हैं, सूखेंगे जैसे ये इस पर चिपक जाएंगे। इसमें मैं रखूँगी एक गमला, अभी मैं रख के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अच्छा सुन लगे तो जिते भी रखंदम मां जंहिं बि कुंड खे सजाईंदमि उहा कुंड सजी वेंदी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तकबिल में भी जो कुछ मैं शेयर करना चाहूँ वो आप
आसानी से देख सकेंगे और मेरी कोई वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यारु कयो, पंहिंजे वक़्त जो पंहिंजी ज़िंदगीअ जो क़दुरु कयो। इनशाला वरी कंहिं ॿी कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो, अलाह वाही।